अरे बेटा हमारी बेटी तो भाग गई। अरे ऐसे कैसे भाग गई? अरे आज तो हमारी शादी थी ना यार, कहाँ चली गई? शिनचैन मैं यार जा रहा हूँ यार, ये देश छोड़ के मुझे रहना ही नहीं है, लॉस सैंटोस में मैं जा रहा हूँ, चलो पायलट लेके चलो मेरे को। अरे डॉक्टर इसको बचा लो, ये मरना नहीं चाहिए। अरे हम पूरी कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आप सबका स्वागत है चीनी भाई की वीडियो में। मेरा नाम है फ्रैंकी और आपको याद होगा कि यार पिछले एपिसोड में यार चौक की शादी बिल्कुल ढंग से फिक्स हो गई थी। अब बात यार मेरी शादी की, तो इस बार होने वाली है मेरी शादी। तो यार आज तो अभी तो रात हो चुकी है, अभी हम जाने वाले सीधा सोने और कल सुबह है मेरी शादी, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अरे हाँ बेबी, बहुत मजा आएगा, पर बेबी मेरा अभी तक घाघरा नहीं आया, मैं कल क्या पहनूंगी? अरे तू टेंशन मत ले, कल सुबह तक आ जाएगा। तो गाइस यार शिनचैन तो किसी अलग वाले घर में रुका है, हम दोनों इस वाले घर में रुके। अभी आपको दिखाता हूं यार हमने क्या मस्त डेकोरेशन करी है। अरे बेबी मुझे भी देखनी डेकोरेशन। तो गाइस यार इसको भी दिखा दो और आपको भी दिखा दो यार, बताना कैसी लगी आपको डेकोरेशन। यहाँ पर यार मस्त मस्त हमने बनाया, तो लाइट्स लगवाई है पर ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी आप अंदर चलोगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अरे बेबी यहाँ पे तो बहुत सारे रोज है। अरे हाँ मुझे पता है तुम्हें रोज बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारे फ्लावर्स लगवाए। देखो भाई फ्लावर वाली एंट्री भाई कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और सामने आते ही एकदम बढ़िया बढ़िया लाइटनिंग लगी हुई है। और यहाँ पे देखो भाई मतलब सब फुल बैठने बैठने का भी मस्त अरेंजमेंट करा रखा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, मतलब हर चीजें फुल मजे करने वाली है। अभी आपको दिखाते हैं यार क्या क्या है इधर। पहले तो है हमारा बिल्कुल एकदम ये छोटा सा पार्टी हाउस जो यहाँ पे बना हुआ है। अरे बेबी ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अरे अभी अंदर से देखोगे तो और ही बढ़िया, यहाँ पे छोटा सा पार्टी हाउस हमने बना रखा है जहाँ पे यार मस्त एकदम पार्टी कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हो यहाँ के कितना ज्यादा बढ़िया लगा हुआ, यहाँ पे सारे के स्पीकर भी लगे हुए, यहाँ पे मस्त यार गाने चला के हम नाच भी सकते हैं। तो गाइस यार अभी आपको दिखाता हूँ सबसे बढ़िया चीज। अभी आपको लग रहा होगा कि स्विमिंग पूल तो एकदम नॉर्मल है, नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही तगड़ा स्विमिंग पूल। अभी देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, जल्दी से आगे कमेंट बताओ आपको क्या लग रहा है क्या लिखा हुआ है। और ये देखो ये लिखा हुआ है आई लव यू। अरे बेबी आई लव यू टू। अरे देखो यार ये तो स्विमिंग भी करने लगे, रुको मैं भी करूंगा स्विमिंग, ये नाचो नाचो पानी में। अरे बेबी हमें चलो सोना भी है। अरे हाँ यार कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि यार कल हमारी शादी, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला। फटाफट से गाइस यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सुबह है हमारी शादी। The next day. अरे भाई यार रात को एकदम बढ़िया वाली नींद आ चुकी है और अभी हो चुकी है सुबह यार, हमें जल्दी से जाना है क्योंकि यार हम वैसे लेट हो चुके हैं। और भाई यार हमारी ट्विंकल सामने जगह खड़ी हो चुकी है, वो पहले से तैयार होकर खड़ी हो चुकी है, और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है जिसमें अभी हम जाने वाले, जहाँ पे शिनचैन वाले जिस वाले घर में रह रहा है, अभी वहाँ पे फटाफट से चलते हैं और वहाँ से हमको जाना है अपनी शादी में, बहुत ज्यादा मजे आएंगे। अरे यार मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तो गाइस यार अभी यार ट्विंकल बैठ चुके हैं, फटाफट से लेके चलते हैं इसको यार वहाँ पे, इसके जहाँ पे मम्मी पापा भी रह रहे हैं और शिनचैन भी वहीं पे रह रहे हैं और चौपर भी वहीं पे रह रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पे और मस्त यार अपनी शादी फुल तैयारी करते हैं, और जहां पे हमारी शादी होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी जगह, तो आपको देख के भी मजा आने वाला है, तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं यार उस वाले घर पे जहां पे शिनचैन और उसकी ट्विंकल के मम्मी पापा रह रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं। तो चौपर का एक स्वीटी की शादी होती है, तो वो यहीं पे सीधा यहां पे रात को आ गए थे, यहीं पे वो सोए हुए भी थे, तो फटाफट से चलते हैं अपन उनसे मिलते हैं। अरे बेबी मेरा काकरा कब आएगा? अरे काकरा तेरा आ चुका है, तेरे मम्मी पापा के पास आ चुका है। अरे अरे मजा आएगा। तो गाइस यार ये देखो भाई शिनचैन और यहां पे तो भाई फुल मजे कर रहे, सामने चौप खड़ा है और ये कहां रह गई है, जल्दी आ जा। अरे बेबी आ गई आ गई। तो यार इसके मम्मी पापा यहाँ पे खड़े हैं। अरे मम्मी मेरा काकरा आ गया क्या? अरे हाँ बेटा तेरा काकरा आ चुका है। तो गाइस यार ये रहे इसकी मम्मी पापा और यहाँ पे अपने शिनचैन भी फुल पूल में मजे कर रहा है। अरे विक्की भाई कैसे है, कल रात को कहाँ गए थे? और चौप शादी के बाद कैसा लग रहा है? आओ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यार आज हमारी होने वाली शादी यार, फटाफट से यार हमको कांग्रेचुलेशन लिख दो और मेरे को ट्विंकल को फटाफट से यार लिख दो, और शॉप को भी अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो यार जल्दी से शॉप को भी लिख दो कांग्रेचुलेशन। और शिनचैन तू कब कर रहा शादी? एनी वीक भी नन्हे को दीदी मान जाए बस। अरे बेटा चलो तैयार हो जाओ यार, हमें जाना है शादी के, लेट नहीं हो जाए यार। अरे हाँ यार चलते हैं। अरे बेटा लोकेशन कहाँ पे? अरे लोकेशन तो ऐसी तगड़ी सी है ना, आपको देख के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अरे बेटा इतनी सारी गाड़ियां क्यों मंगाइए? अरे हाँ बेबी इतनी सारी गाड़ियां क्यों मंगाइए? अरे बताता हूँ यार, क्योंकि यार यहाँ पे हमारे यहाँ पे होती है एक रस्म यार, सबके सब है ना अलग अलग गाड़ी में जाएंगे, कोई भी एक गाड़ी में नहीं जा सकता। शिनचैन तू भी अलग जाएगा, चौप तू भी अलग जाएगी, स्वीटी भी अलग जाएगी, ट्विंकल भी अलग जाएगी, और सब सके सब अलग जाएंगे। अरे विक्की मैं मजा आएगा, अकेले गाड़ी चलाऊंगा। अब वो ठोक वोक मत दिए। तो गाइस यार फटाफट से तेरी मैं अपनी वाली गाड़ी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके भी कपड़ों से मैच हो रही वाली गाड़ी ले लो, और अपन चलते सीधा अपने लोकेशन पे जहाँ पे हमारी शादी होने वाली है। और जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार, मतलब खतरनाक तो नहीं है पर बहुत ही ज्यादा मस्त लोकेशन है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला देखने में। तो फटाफट से चलते हैं अपनी लोकेशन पे यार, बहुत ज्यादा मजा आने वाला, आज तक मेरी शादी आखिरकार हो ही जाएगी। तो गाइस यार अभी मैंने अपनी गाड़ी यार कलर चेंज करा लिया, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? अरे एक तो ये पीपी के यार इधर लेट जाते। अरे एक सेकंड ये क्या हो गया? अरे भाई साहब बचा लो। अरे भाई ये क्या हो गया, आप लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है? अरे भाई साहब क्या हो गया आपको? अरे भाई साहब यार मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया भाई साहब। अरे भाई साहब यार कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई साहब बचा लो। अरे बचा तो बचा, रुको यार मेरे को किसी जने चाहिए होंगे यार साथ में। अरे यार कोई जना, अरे वो सामने जने जा रहे। अरे दीदी और दीदी, अरे यहाँ पे तो बहुत सारी दीदी है। अरे जल्दी चलो यार वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमारी मदद कर दो। अरे हम काहे के लिए मदद करें, निकल साले कर। अरे भाई चलो ना। अबे काले लोगों की मदद नहीं करते हम। अरे भाई क्या भाई, चलो ना यार। अरे निकलना ऐसे। अरे भाई क्या ही बेइज्जती करो भाई, उसको बचाना। अरे अंकल आप तो चलो।
अरे बता का दिया, अरे का दिया यार। अरे निकल यार यहाँ से, क्या पी के बैठा है ये भी। अरे यार इनमें से तो कोई मदद नहीं कर रहा, लगता है मुझे मदद करनी पड़ी यार। मैं अकेला यार उसको जल्दी से लेके आता हूँ हॉस्पिटल में फटाफट से यार, उसको कुछ हो नहीं जाए यार, फटाफट से उसको बैठा दे अपनी गाड़ी में। अरे भाई साहब आ जाओ। अरे भाई साहब थैंक यू भाई साहब। अरे कोई बात नहीं यार, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। अरे भाई साहब 2 घंटे से इधर पड़ा हूँ, अभी तक किसने मदद नहीं करी थी, आपने मदद करी, लगता है आप बहुत बड़े भले आदमी हो। अरे नहीं यार कोई बात नहीं यार, कोई किसी ने मदद नहीं करी, मैं आ गया तेरे को बचा लूंगा यार, मैं तो टेंशन में देना बस। अरे भाई साहब मेरे रहने का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं है, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं यार ऐसे मत बोल, मैं तुमको फटाफट से यार हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो कहा सर इसको हमको कैसे भी करके बचाना होगा, इसको फटाफट से लेके चलते हैं हॉस्पिटल। तो कहा सर अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे पिल बॉक्स मेडिकल सेंटर यार, फटाफट। और यहाँ पे डॉक्टर खड़े, अरे डॉक्टर डॉक्टर इसको बचा लो यार, इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अरे ठीक है हम बता लेते हैं, इसको नीचे उतारो स्ट्रेचर पे। अरे ठीक है उतारते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे इसको स्ट्रेचर पे लेटा दिया। अरे डॉक्टर ठीक तो हो जाएगा ना? अरे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हमको कुछ नहीं होने देंगे। अरे ठीक है। A few moments later. अरे भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को बचा लिया, वरना मैं तो मर ही जाता यार, 2 घंटे से उस रोड पे खड़ा था यार। अरे कोई बात नहीं यार। अरे भाई साहब आपके जा रहे थे क्या यार? अरे जा रहा था। अरे भाई, अरे मैं भूल ही गया मेरी शादी है भाई। भाई 4 घंटे लेट हो गया भाई, मैं 4 घंटे से हॉस्पिटल के चक्कर काटने लग गया। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, जल्दी से जाना पड़ेगा भाई, 4 घंटे लेट हो गया भाई। आप सब मेरे को सुनाने वाली थी सिंचर भाई, माता खा जाएगा, फटाफट से चलते हैं यार अपन। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे यार, आपको दिखाते हैं मेरी शादी कहाँ पे। 3, 2, 1 ये देखो भाई हमारा सामने, आपको दिख गया होगा। तो यार ये देखो भाई गोल्डन ताजमहल, हमारी शादी होने वाली गोल्डन ताजमहल में यार, बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले यार। हमारा सपना था यार एक ताजमहल में शादी करनी, पर ताजमहल नहीं, हम तो गोल्डन ताजमहल में शादी करने वाले, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से चलते यार, यहाँ पे हमने बोट्स लगवा दी थी यार, वो पानी के बिल्कुल बीचों बीच है, ताकि जो भी है यहाँ पे अपनी बोट में सीधा चले जाए यार ताजमहल की तरफ। यार अपन भी चलते हैं अपने गोल्डन ताजमहल की तरफ, जल्दी से बैठते हैं बोट पे। और यार मैं अकेले जा रहा हूँ, सबके साथ पूरे सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। और यार देखो भाई मैं ही अकेला जा रहा हूँ यार, मेरी शादी है, मैं एक धुलाई लेट जा रहा है भाई, क्या सीन है यार ये। तो गाइस यार हम यहाँ पे आ चुके फटाफट से। अरे भाई सीधा अंदर जाके मैं ओला बाटा ता चल लो का चल लो। अरे भाई साहब ढंग से गाड़ी चला लो। अरे ओ सबके साथ को निकाल दूंगा, ज्यादा मत बोलो मेरी शादी है। अरे भाई साहब आपको इतनी देर से वेट कर रहे थे यार, पर बहुत बड़ा कांड हो गया। अबे जाओ ना यार, कोई कांड वांड नहीं हो जाए, पकाओ मत यार। तो गाइस यार फटाफट चलते हैं, वो पीछे की साइड अभी सबके सब होंगे, तो उनके पास चलते हैं और उनसे मस्त शादी करते हैं। ओ देखो मैं आ गया, देखो वो आ गया, देखो मैं आ गया। अरे अरे शादी करो, शादी शुरू करो। अरे फ्रैंकलिन बहुत लेट कर दिया तूने आने में। अरे क्या हो गया यार? आओ फ्रैंकलिन बहुत बड़ा हादसा हो गया। अरे भाई क्या हो गया? अरे यार बेटा यार हमारी बेटी यार भाग चुकी है उस शिनचान के साथ। क्या मतलब समझा नहीं मैं? अरे बेटा वो हमारी बेटी को भगा के लेके जा चुका है। अरे पर क्यों? अरे बेटा इतनी देर से तुम आए नहीं थे ना, तो हमने एक और जन्ने को बुला लिया शादी करने के लिए, क्योंकि हमने इतने सारे मेहमान बुलाए तो हमारी इज्जत खराब हो जाती, इसलिए हमने इसको बुला लिया शादी करने के लिए। तो ये उससे शादी करने वाला ही था कि शिनचान मेरी बेटी को भगा के लेके जा चुका है। वो तुम्हारा बेटा है ना, मतलब भाई है ना, उसको पकड़ो यार कैसे भी करके। अरे भाई तुम बिल्कुल पागल हो गया यार, उससे क्यों शादी करा रहे थे यार? भाई यार ये क्या दिक्कत है भाई, मैं थोड़ा लेट क्या हो भाई, तो उससे शादी करने लग गए, मुझे फटाफट जाना भाई शिनचान पता नहीं कहाँ भगा के लेके यार। पर यार शिनचान क्यों लेके जाएगा कहीं पे? अरे यार मुझे देखना पड़ेगा फटाफट जाकर, इस बोट में चलते रहे, बोट थोड़ा तेज चल रहे भाई यार। अरे यार ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसे तो ना होता है भाई, मैं लेट हो गया तो और किसी से शादी करा देंगे। अरे भाई ये क्या ही सीन चल रहा है, जल्दी से चलते हैं अपन यहाँ से, और ये बोट यहाँ पे जल्दी से छोड़ते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे चलते हैं शिनचान को ढूंढने। तो गाइस यार यहाँ पे अभी मैंने किसी गाड़ी चुरा ली यार, मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। अरे शिनचान, हेलो शिनचान, अरे विक्की पे जल्दी से यार घर पे आ जाओ। अबे भाई क्या हो गया? अरे विक्की पे जल्दी आओ यार। अरे आ रहा हूँ यार। तो गाइस यार अभी यार मुझे शिनचान का फोन आया, और शिनचान तो घर पे। अरे जल्दी घर पे चलते भाई, पता नहीं क्या ही हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फटाफट से यार अपन को घर जाना होगा। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं फटाफट से घर पे भाई, ये क्या सीन चल रहा है? अरे यार जल्दी जल्दी मैं घेरे जा रहा हूँ, घेरे जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जाना होगा भाई, सांस फूल गई मेरी तो, पर मैं जाऊंगा यार जल्दी से। यार शिनचान ने क्या कर दिया भाई, उसको भगा के क्यों लेके यार? अरे विक्की भाई आ गए क्या? अरे भाई मैं आता हूँ भाई, भाई क्या चल रहा है भाई, तू उसको भगा के क्यों लेके चला गया था? अरे विक्की भाई इसकी मम्मी पापा किसी और से शादी करा रही थी, मुझे लगा आप शादी करोगे इसलिए मैं इसको लेके आ गया। अरे बेबी तुम इतनी देर से क्यों आई? अरे यार मैं कोई काम बैठा था यार, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उनको बचाने में चला गया था। अरे बेबी ये पहले बता के तो जाते। अबे वो शिनचान चुप रहे यार। अरे बेबी यार तुमने पहले बता दिया होता तो मैं भागती नहीं ना। अरे नहीं यार कोई बात नहीं यार, चलो यार मैं तुमको बताना तो बोलिए, क्योंकि यार एक्सीडेंट हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला भाई कब 4 घंटे बीत गए। अरे बेबी चलो अपन यहाँ से चलते हैं, वरना मेरे मम्मी पापा किसी और से शादी करा देंगे। अच्छा किसी और से भाई, क्यों भाई? अरे यार तुमको हमको चलना पड़ेगा, वरना हमारे रिश्तेदार हमको परेशान करेंगे। तो गाइस यार अभी हमने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया, हम जा रहे हैं यार ये लॉस सैंटोस छोड़ के, शिनचान मैं और हमारी ट्विंकल हमारे साथ जा रही है, क्योंकि हम जाने वाले क्योंकि यार इनके रिश्तेदार को बहुत परेशान करने वाले, क्योंकि यार शादी बीच में टूट चुकी है, और हम जाने वाले
सीधा लॉस एंजेलिस के बाहर और वहां पे जाकर मस्त शादी वादी करेंगे और शिनचैन भी हमारे साथ ही रहेगा। जल्दी आ जाओ यार। तो गाइस यार हम जाने वाले हैं सीधा अब एयरपोर्ट और वहां से हमने अपनी टिकट भी बुक करवा ली है फटाफट से और हम जाने वाले सीधा यार लॉस एंजेलिस के बाहर। हमें यहाँ पे रहना ही नहीं कोई भी हालत में। अरे बेबी हमें गलत तो नहीं करे ना? अरे नहीं दीदी यार अपन बिल्कुल गलत नहीं कर रहे यार, आपके यार घर वाले आपको बहुत परेशान करेंगे। अरे हाँ शिनचैन हमने बिल्कुल सही कहा। तो गाइस यार यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट पे आ चुके, हमारे यहाँ पे प्लेन भी आ चुका है, जल्दी से आ जाओ। मैं पायलट से बात करता हूँ। अरे भाई साहब आप लेके चल रहे हो उनको लॉस एंजेलिस से बाहर? अरे हाँ भाई साहब हम आपको लॉस एंजेलिस से बहुत दूर छोड़ के आएंगे। अरे यार ठीक है आ जाओ भाई शिनचैन और ये ट्विंकल, तो आ जाओ भाई सबके साथ बैठो और अपन चलते हैं लॉस एंजेलिस से बहुत बहुत दूर। आ जाओ पायलट साहब चलाओ प्लेन। तो गाइस यार अभी हमारा प्लेन उड़ चुका है और ये इसने टेक ऑफ भी कर लिया और हम जा रहे हैं सीधा लॉस एंजेलिस से बाहर। हम कभी भी यहाँ पे नहीं आने वाले, वहाँ पे हम शादी करेंगे और शिनचैन भी हमारे साथ ही रहेगा, तो वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा मजे करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम रहते तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ नहीं, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लिए वीडियो। हम जाने वाले अगले शहर में और वहां पे जाके हम शादी करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको अगला पार्ट देखना तो फटाफट जाकर पार्ट 4 कमेंट कर दो। तो गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे भाई कहां लेके जा रहे? अरे भाई पानी भी डाल दिया।